हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन सीरीज की पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया है, आज हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज का। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये तीसरा पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फोलियो एडिशन का, शेक्सपियर के फोलियो एडिशन उनके प्लेस के। सो उसके नीचे यहाँ पे ये दिया गया था कि जो फर्स्ट फोलियो रेफर्स टू द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन 36 ऑफ शेक्सपियर प्लेस। फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस थे शेक्सपियर के? 36 प्लेस थे। और ये आया कब था? शेक्सपियर की डेथ के बाद आया था, क्योंकि शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? 1616 में हो गई थी। और फर्स्ट फोलियो कब आया था आपका? 1623 में आया हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। और इसमें क्या याद रख सकते हैं आप? उनके दो दोस्त थे, जॉन हेमिंस एंड हेनरी कॉन्डल। ये दोनों दोस्त हैं जिन्होंने फर्स्ट फोलियो लाया था। ओके, और जब आपका फर्स्ट फोलियो आया था तो उसके कलेक्शन का टाइटल क्या था? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज। फर्स्ट फोलियो का जो कलेक्शन का टाइटल था क्या था? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज। वॉज कम्प्लीटेड इन 1623। ये कम्प्लीट कब किया गया था? 1623 में किया गया था। ओके, यहाँ पे फोलियो के बारे में बताया कि फोलियो क्या है। फोलियो रेफर्स करता है लार्ज साइज ऑफ पेपर यूज फॉर द कलेक्शन। कलेक्शन का यूज़ करने के लिए एक लार्ज साइज़ का पेपर होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोलियो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम फैक्ट वाइज देखेंगे। इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर के प्लेज के कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, देख लेते हैं इसको। पहला है, There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. ये कौन कहता है? ये हैमलेट की लाइन है और हैमलेट ही कहता है। क्या कहता है? There are more things in heaven and earth, यानी मतलब हैवन और अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं Horatio। ये हैमलेट Horatio से कहता है कि जो हैवन है, जो स्वर्ग है, और पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं Horatio, than are dreamed of your philosophy, जो तुम्हारी आगे क्या कर रहा है, जो तुम्हारी फिलोसफी में जितने भी सपने देखे गए हैं उससे भी ज़्यादा इन हैवन और अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है। किससे? Horatio से। ओके, नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ये लाइनें आपके मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। क्या कह रहा है ये लाइन कह रहा है कि जो सच्चे प्यार की जो राहें होती हैं वो कभी आसान नहीं होती हैं। ओके, अगला कोट है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजन नॉट टू प्रेज हिम। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें आपकी जूलियस सीजर में आती हैं। और ये बोलता कौन है? आप लोग बताएंगे। ये लाइनें कहता कौन है? ये दोनों आप लोग बताएंगे दोनों। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये लाइनें भी आप बताएंगे कि कौन कहता है। और ये जो थर्ड वाला कोट है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन, ये भी आप लोग बताएंगे कि ये कौन कहता है। हालाँकि जूलियस सीजर में ये लाइनें हैं। क्या कहता है कि फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लेंड मी योर ईयर्स, मतलब अपने कानों को मेरी तरफ कर दो, मतलब मेरी बातों को सुनो, मतलब अपने कानों को मुझे दे दो। इसका मतलब हुआ कि मेरी बातों को सुनो। आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, नॉट टू प्रेज हिम, ना कि उसकी प्रशंसा करने आया हूँ। तो ये लाइनें आपकी जूलियस सीजर में हैं। नेक्स्ट, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये लाइनें कहाँ पे हैं? ये लाइनें आपकी हैमलेट में है, और हैमलेट ही कहता है, ये हैमलेट की सोलिलोक्वी है। अगला है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये लाइनें कहाँ पे हैं? ये लाइनें आपकी टेम्पेस्ट में हैं। बोलता कौन है? प्रॉस्पेरो बोलता है ये लाइनें। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम ऐसी चीज़ें हैं, वी आर सच स्टफ, हम ऐसी चीज़ें हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ, जिन पर सपने बनते हैं, और हमारा छोटा सा जीवन इज़ राउंडेड विद अ स्लीप, और हमारा छोटा सा जीवन एक नींद से घिरा हुआ है। तो ये कौन कहता है? प्रॉस्पेरो कहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, What's in a name, नाम में क्या है? That which we call a rose by any other word would smell as sweet, मतलब कह रहा है कि नाम में क्या है जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी और सबसे उतना ही मीठा होगा। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? रोमियो एंड जूलियट में ये लाइनें
आती हैं। ओके, नेक्स्ट कोट है, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, मतलब सारी दुनिया एक रंगमंच है, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयर प्लेयर्स, और इसमें रहने वाले जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, मतलब इसमें रहने वाले जितने भी आदमी और औरत हैं, वो केवल क्या हैं, खिलाड़ी हैं। सारी दुनिया एक रंगमंच है और इसमें रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले जो आदमी और औरत हैं, वो केवल क्या हैं, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। ये लाइनें आपकी कहाँ पर आती हैं, एज़ यू लाइक इट में आती हैं। बोलता कौन है ये भी आप बताएंगे, ये बोलता कौन है। ओके, अगला कोट है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर्स प्लेयर। यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, मतलब जीवन एक चलती फिरती छाया है, अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज। मतलब आगे क्या कह रहा है, एक बेचारा खिलाड़ी जो मंच पर घंटों अटखेलियाँ करता रहता है, एंड देन इज़ हियर नो मोर और फिर सुनाई नहीं देता है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये एक मूर्ख द्वारा सुनाई गई कहानी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, जो शोर और रोस से भरी हुई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, तो जो शोर और रोस, फ्यूरी मतलब क्या होता है, क्रोध भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जो शोर और क्रोध से भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे है, तो ये लाइनें आपकी मैकबेथ में है, बोलता कौन है, मैकबेथ ही बोलता है। ओके, नेक्स्ट, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड अदर्स हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। यहाँ पे कह रहा है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, मतलब कुछ महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, एंड अदर्स हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और दूसरों पर महानता थोपी जाती है। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे हैं, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, ट्वेल्थ नाइट में आती हैं। अगला है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज़ डिस्क्रेशन, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट वन में लाइनें आती हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड में आती है। ओके, तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अगला हम देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, शेक्सपियर कॉइन्ड द फ्रेज द बीस्ट विद टू बैक्स मीनिंग इंटरकोर्स इन हिज प्ले ओथेलो। शेक्सपियर ने ये फ्रेज को कॉइन किया, कौन सा फ्रेज है, द बीस्ट विद टू बैक्स, इसको याद करने की ज़रूरत है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि शेक्सपियर ने कौन सा फ्रेज यूज़ किया है, द बीस्ट विद टू बैक्स, कहाँ पे यूज़ किया ये भी याद रखिएगा, ओथेलो में। ओके, ओथेलो में उन्होंने ये फ्रेज को कॉइन किया है, द बीस्ट विद टू बैक्स। अगला पॉइंट है, शेक्सपियर इन्वेंटेड द वर्ड एसेसिनेशन, शेक्सपियर ने ये जो वर्ड है ना, एसेसिनेशन मीन्स क्या होता है, हत्या होता है, तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को इन्वेंट किसने किया है, विलियम शेक्सपियर ने किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी, शेक्सपियर कभी विश्वविद्यालय नहीं गए, मतलब वो कभी विश्वविद्यालय गए ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ द 154 सोनेट्स द प्ले राइट पेंड हिज फर्स्ट 126 वर सेट टू बी डायरेक्टेड टू एन अरिस्टोक्रेटिक यंग मैन हु डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी जो 154 सोनेट थी जो प्ले राइट ने पेन किया था, लिखा था अपने फर्स्ट, उन्होंने क्या कहा है कि 126 सोनेट जो है वो डायरेक्टेड किसको दिया गया है, किसको कहा गया है, किसको एड्रेस किया गया है, तो एक अरिस्टोक्रेटिक यंग मैन को किया गया है, हु डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी, जो शादी नहीं करना चाहता था, जो उनकी 126 सोनेट थी वो उन्होंने एक यंग मैन को किया है, एड्रेस किया है। आगे है, सोनेट्स 127 टू 152 टू टॉक अबाउट अ डार्क वुमेन मैरी फिटॉन। आगे क्या कह रहा है कि 127 से 152 जो उनकी सोनेट है वो किसके बारे में है, एक डार्क वुमेन के बारे में है, जिसका नाम क्या है, मैरी फिटॉन है। ओके, आगे देख लेते हैं,
मैरी फिटॉन है, द बार्ड सीम्स हैव हैड मिक्स्ड फीलिंग फॉर। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कि जो बार्ड है, बार्ड किसको कहा गया है, शेक्सपियर को कहा गया है। जो बार्ड है, बार्ड के लिए वहाँ उनकी क्या थी, मिक्स्ड फीलिंग थी, मतलब मिश्रित भावनाएं थी बार्ड के लिए। तो बार्ड किसको कहा गया है, विलियम शेक्सपियर को। अगला पॉइंट है, शेक्सपियर इज़ बिलीव टू हैव स्टार्टेड राइटिंग द फर्स्ट ऑफ हिज 154 सोनेट्स इन 1593 एट द एज ऑफ 29। कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि शेक्सपियर ने जब 154 सोनेट को लिखा था, 1593 में लिखा था, तब उनकी एज कितनी थी, 29। हिज फर्स्ट सोनेट वॉज विनस एंड एडोनिस। उनकी जो पहली सोनेट थी वो कौन थी, विनस एंड एडोनिस थी, पब्लिश्ड इन सेम ईयर, जो कब आई थी, 1593 में आई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट एकेडमिक्स एग्री दैट शेक्सपियर रोट हिज फर्स्ट प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट वन अराउंड 1589 to 1590। मतलब बहुत सारे शिक्षाविद, एकेडमिक्स मतलब क्या होता है, शिक्षाविद, बहुत सारे शिक्षाविद का मानना था कि शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले कौन सा है, हेनरी सिक्स पार्ट वन है, जो अराउंड कब लिखा गया है, 1589 to 1590 में लिखा गया है। वेन ही वुड हैव बिन रफली 25 years old। जब वह 25 साल, लगभग कितने साल के थे, 25 साल के थे, तब उन्होंने हेनरी सिक्स पार्ट वन लिखा। ओके, अगला पॉइंट है, शेक्सपियर लिव थ्रू ब्लैक डेथ। मतलब जब ब्लैक डेथ आया था लंदन में, तो उस समय शेक्सपियर थे। दिस एपिडेमिक दैट किल्ड ओवर 33,000 इन लंदन अलोन इन 1603 व्हेन शेक्सपियर वॉज 39। मतलब ये जो एपिडेमिक आया था, ये महामारी आई थी, उसमें 33,000 लोग लंदन में, 33,000 लोगों को, मतलब 33,000 लोग मर गए थे इस एपिडेमिक से, जिसमें, ये कब आया था, 1603 में आया था ब्लैक डेथ, और उस समय शेक्सपियर कितने साल के थे, 39 साल के थे। ओके, अगला है, इसको भी देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, द प्ले कॉर्डिनियो। ये प्ले है कॉर्डिनियो दैट हैज़ बिन क्रेडिटेड टू शेक्सपियर एंड विच वॉज परफॉर्म्ड इन हिज लाइफ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कॉर्डिनियो नाम का जो ये प्ले है, इस जिसको श्रेय किसको जाता है, शेक्सपियर को जाता है, दिया गया, और जो उनके जीवन में किया गया था, मतलब जो उनके जीवन में परफॉर्म्ड किया गया था इस प्ले में। आगे क्या कह रहा है कि हैज़ बिन कम्प्लीटली लॉस्ट टू टाइम। इस समय वो पूरी तरह से खो गया है। टुडे वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ इट्स स्टोरी व्हाट्स ओवर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आज हमारे पास इसकी कहानी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। ये जो कॉर्डिनियो प्ले है, इसका श्रेय किसको जाता है, विलियम शेक्सपियर को जाता है। और उस समय, अब क्या है कि इसकी कहानी का कोई पता नहीं है, आज इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन जब भी कॉर्डिनियो की बात आती है, तो ये भी आपका शेक्सपियर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका श्रेय भी किसको गया है, शेक्सपियर को गया है। ओके, अगला फैक्ट भी देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, लीजेंड हैज़ इट एट द टेंडर एज ऑफ 11 शेक्सपियर वॉज द पीजेंट्री एसोसिएटेड विद क्वीन एलिजाबेथ विजिट टू केनिलवर्थ कासल नियर स्टैटफोर्ड एंड लेटर रिक्रिएटेड दिस सीन मेनी टाइम्स इन हिज प्लेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 वर्ष की उम्र में शेक्सपियर ने स्टैटफोर्ड के पास केनिलवर्थ कैसल में क्वीन एलिजाबेथ की यात्रा से जुड़ी तमाशा देखा और बाद में अपने प्ले में, अपने नाटकों में इस दृश्य को कई बार फिर से बनाया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्वीन एलिजाबेथ के केनिलवर्थ कैसल में जो नाटक हुआ करते थे, उसमें शेक्सपियर जाते थे, और उस समय शेक्सपियर 11 साल के थे, वहाँ पे जाके वो नाटक को देखते थे, और देख के जब आते थे, तो वहाँ से नाटक की एक एक कड़ी को क्या करते थे, आके वो रिक्रिएट करते थे अपने प्लेज में, अपने नाटकों में आके उसको रिक्रिएट करते थे, दोबारा से दोहराते थे उसी नाटक को। ओके, अगला फैक्ट है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं ये वाला पॉइंट। शेक्सपियर विल मीन्स क्या होता है, वसीयत। शेक्सपियर विल गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सुसैना हिज फर्स्ट चाइल्ड एंड नॉट टू हिज वाइफ एनी हैथवे। इंस्टेड हिज लॉयल वाइफ इनफेमसली रिसीव्ड द सेकेंड
बेस्ट बेड। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शेक्सपियर की विल, जो शेक्सपियर की वसीयत थी, जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने किसको दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने किसे दिया, अपनी बेटी, अपनी पहली बेटी, अपनी फर्स्ट चाइल्ड को दिया। उनकी फर्स्ट चाइल्ड कौन थी, सुसैना थी। उन्होंने अपनी विल अपनी बेटी को दिया। और अपनी वाइफ को उन्होंने क्या दिया, जो उनकी वाइफ थी एनी हैथवे, उन्होंने अपनी वाइफ को क्या दिया, सेकंड बेस्ट बेड दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, कितनी बार तो एग्ज़ाम में आया भी है कि शेक्सपियर ने अपनी वाइफ को क्या दिया, तो सेकंड बेस्ट बेड दिया। और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसको दिया, अपनी फर्स्ट चाइल्ड, उनकी फर्स्ट चाइल्ड कौन थी, सुसैना थी। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं। सुसाइड अकर्स इन अनलक्की 30 टाइम्स इन शेक्सपियर प्लेज। यहाँ पे है कि शेक्सपियर के प्लेज में कितनी बार सुसाइड किया गया है, तो 13 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, शेक्सपियर की जितनी भी प्लेज हैं, 37 प्लेज हैं, तो 37 प्लेज में 13 बार उसमें सुसाइड हुआ है। कौन कौन से प्ले में हैं देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आप इसको याद रखने की ज़रूरत है, कितनी बार हुआ है, 13 टाइम्स हुआ है, 13 बार हुआ है। पहला कहाँ हुआ है, रोमियो एंड जूलियट में हुआ है, रोमियो एंड जूलियट में, जहाँ रोमियो एंड जूलियट खुद सुसाइड करते हैं, जो लीड एक्टर होते हैं वो खुद सुसाइड करते हैं। जूलियस सीजर में कौन करता है, कैसियस एंड ब्रूटस, ये भी करते हैं, कैसियस एंड ब्रूटस करते हैं जूलियस सीजर में। ओके, बाई कंसेंसुअल स्टैबिंग, मतलब अपने आप को ही मार लेते हैं दोनों, एज वेल एज ब्रूटस भी। और ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया भी कमिट करती है, मतलब सुसाइड करती है ये भी। ओथेलो में ओथेलो खुद करता है, अपने आप को मार लेता है। और हैमलेट में कहा जाता है कि ओफिलिया भी ड्राउन हो जाती है, तो वो भी सुसाइड कर लेती है। ओके, अगला है यहाँ पे मैकबेथ में कौन करता है, लेडी मैकबेथ करती हैं। तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 13 मरतबा सुसाइड होता है शेक्सपियर के सारे प्लेज में, 13 बार लोग सुसाइड करते हैं। जहाँ पे रोमियो एंड जूलियट में खुद रोमियो एंड जूलियट करते हैं, जूलियस सीजर में कैसियस करता है, ब्रूटस करता है, और ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया करती है। ओथेलो में ओथेलो खुद करता है, हैमलेट में ओफिलिया करती है, मैकबेथ में लेडी मैकबेथ करती है, एंड फाइनली एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, जो उनका ट्रेजडी है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उसमें भी सुसाइड कितनी बार होता है, 5 टाइम्स होता है। कौन करता है, सबसे पहले मार्क एंटनी करता है, देन क्लियोपेट्रा, देन चामियान, देन इरास, देन एंड लास्ट है इरोस। तो ये 5 लोग किस में करते हैं, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, कौन कौन करता है, किस किस प्ले में कौन कौन कैरेक्टर है जो करता है सुसाइड। ओके, अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, पॉइंट है रेसिसिज्म। रेसिसिज्म क्या होता है, रेसिसिज्म मतलब होता है कि जो जातिवाद है, मतलब शेक्सपियर आगे क्या कह रहा है कि क्रॉप्स ऑफ फ्रीक्वेंटली इन शेक्सपियर वर्क इन ओथेलो द लीड कैरेक्टर द मूर ऑफ अफेरिकन डिसेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर की रचनाओं में, मतलब शेक्सपियर के प्लेज में जातिवाद को बार बार दोहराया गया है, बार बार सामने लाया गया है। जैसे ओथेलो में जो खुद ओथेलो है उसे क्या कहा गया है, द मूर ऑफ अफेरिकन, मतलब वो काला है, तो उसके कालेपन को कितनी बार दोहराया गया है, कितनी बार तो उसको इंसल्ट किया गया है इसी वजह से। तो शेक्सपियर के प्लेज में बार बार जातिवाद को बार बार दोहराया गया है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। जैसे आपके ओथेलो में है, और आपके यहाँ पे देख लीजिए और किस प्ले में दोहराया गया है, जातिवाद को ज़्यादा बार बार सामने लाया है। तो आपके यहाँ पे भी देख सकते हैं टाइटस एंडोनिकस में द मूर नेम्ड एरोन नाम का रहता है ना द मूर, तो वो भी रहता है, उसको भी बोला जाता है ना। और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, टेम्पेस्ट में जो आपका कैलिबन है, जायंट कैलिबन है, उसको क्या कहा जाता है, दिस थिंग ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। ओके, एक्ट 5 ये में, मतलब यहाँ पे आपको जानना है कि कैलिबन को क्या कहा जाता है टेम्पेस्ट में, दिस थिंग ऑफ डार्कनेस। और हम क्या देख सकते हैं, एंटी सेमिटिज़म, ये यहूदी विरोधी भावना है, जो आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक नाम का मनी लेंडर रहता है, वो एक यहूदी रहता है ना, जुई रहता है, और उसको फोर्स किया जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को अपना ले, उसको पनिशमेंट के तौर पे। तो चीज़ यहाँ पे बताई गई है,
कहाँ पे कौन कौन से प्ले में एंटी सेमिटिज़म दिखाया गया है, तो आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाया गया यहूदी वाला, और ओके आगे बढ़ते हैं फिर हम ये वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। शेक्सपियर कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंटली डिबेस दोज ऑफ कलर्ड स्किन इन लवर्स सॉरी इन लव्स लेवर लॉस्ट द कैरेक्टर किंग फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे रेशली रिमार्क्स द ब्लैक इज द बेस ऑफ हेल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेक्सपियर के कैरेक्टर को बार बार क्या किया गया है, बार बार किया गया है, उनको भी कम आंका गया है, जो कलर्ड स्किन होते हैं, जो जो ब्लैक होते हैं, शेक्सपियर के जो भी कैरेक्टर हैं उनके प्ले के कैरेक्टर हैं जो ब्लैक है, जो काले हैं, उनको क्या किया गया है, कम आंका गया है। जैसे लव्स लेवल लॉस्ट में जो किंग है फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे, उसे क्या कहा गया, उन्हें कहा गया है ब्लैक इज़ द बेज ऑफ हेल, ओके मतलब काला नर्क का बिल्ला ये कहा गया है, द ह्यू ऑफ डंजियंस एंड स्काउल ऑफ नाइट, ये चीज़ कहा गया किसे, फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे को कहा गया है, लव्स लेवल लॉस्ट में है, ओके इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज पॉपुलर विद किंग जेम्स फर्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेक्सपियर किंग जेम्स फर्स्ट के साथ बहुत पॉपुलर हो गए थे, इंग्लैंड्स रूलर फॉलोइंग एलिजाबेथ फर्स्ट आई वॉज सो टेकन विद हिज स्किल दैट ही गेव हिज एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन अ पेटेंट अलाउिंग देम टू परफॉर्म एंड ऑल्सो मेड दीज एक्टर्स ग्रूम्स ऑफ चैम्बर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद इंग्लैंड के शासक और उनके कौशल से इतने प्रभावित हो गए, किसके कौशल से, शेक्सपियर के, जो इंग्लैंड के शासक थे वह शेक्सपियर के कौशल से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी अभिनय कंपनी, अपनी एक्टिंग कंपनी को, जो उनकी एक्टिंग कंपनी थी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को, उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया, किसे दे दिया, उनके मैन में उन्हें परफॉर्म करने की अनुमति देने वाले को एक पेटेंट दे दिया, मतलब उन्होंने शेक्सपियर को क्या कर दिया, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कंपनी है उसमें एक पेटेंट दे दिया, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो एक्टर्स हैं, उनको क्या बना दिया गया, ग्रूम्स ऑफ चैम्बर बना दिया गया, ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद इंग्लैंड के शासक जो थे, जो इंग्लैंड के शासक थे, उन्हें क्या, शेक्सपियर का परफॉर्म इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी कंपनी दे दी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में, उन्हें परफॉर्म करने की अनुमति दे दिया गया उस कंपनी में, परफॉर्म जो कंपनी थी, इस कंपनी में परफॉर्म करने के लिए क्या दे दिया गया, अनुमति दे दी गई, अलाउ कर दिया गया, और उन्हें एक पेटेंट दे दिया गया, एक पेटेंट दे दिया गया, और बाकी जो एक्टर थे इन एक्टरों को ग्रूम्स ऑफ चैम्बर बना दिया गया, ओके ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बाद में फिर क्या हुआ, शेक्सपियर रिटर्न्ड द फेवर बाय रिमेनिंग हिज कंपनी किंग्स मैन, बाद में शेक्सपियर ने उस कंपनी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, द किंग्स मैन कर दिया, ओके और इस टाइटल ने शेक्सपियर को कोर्ट के परफॉर्मेंस के लिए और भी फेवरेट बना दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे फैक्ट की तरफ, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ओके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, कुछ फेमस बुक्स हैं शेक्सपियर पे लिखी गई हैं, देख लेते हैं कौन कौन से राइटर ने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं शेक्सपियर पे। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बाय टीएस इलियट, शेक्सपियर इन द क्लासरूम बाय थियोडोर ड्वाइट वेल्ड ने लिखा है, शेक्सपियर इन द क्लासरूम, ये किसने लिखा है, थियोडोर ड्वाइट वेल्ड ने लिखा है। एंड तीसरा क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजडी 1904 एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 बाय एसी ब्रैडले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेक्सपियरियन ट्रेजडी 1904 और ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 ये किसके द्वारा लिखी गई है, एसी ब्रैडले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये किसने लिखा है, एन एस्से, एक एस्से है जो 1933 में आया हुआ, ये किसने लिखा है, एलसी नाइट ने लिखा है, ओके एलसी नाइट्स ने लिखा है। तो ये आपके शेक्सपियर के ऊपर जो लिखी गई है किताबें, वो किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस किस राइटर ने लिखी है। अच्छा, एलसी नाइट का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बताएंगे ज़रूर,
बताइएगा ज़रूर कि एलसी नाइट का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी अगर एग्ज़ाम में आ गया तो उनके फुल फॉर्म से भी आ जाता है। ओके अगला है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823 एन एस ए बाई थॉमस डी क्वेंसे। ये जो बुक है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये 1823 में आया है, जो कि एक एस्से है। किसने लिखा है? थॉमस डी क्वेंसे ने लिखा है। चलिए मैं ही बता दे रही हूँ एलसी नाइट्स का फुल फॉर्म क्या है। एलसी नाइट्स का फुल फॉर्म है लियोनेल चार्ल्स नाइट, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं लियोनेल चार्ल्स नाइट्स। ओके आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है द व्हील ऑफ फायर। व्हील ऑफ फायर ये बुक का नाम है, जिसमें आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजडी 1930, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ 1947, शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय 1934 बाय जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट, इनके द्वारा लिखा गया है द व्हील ऑफ फायर। इसके अंदर इतनी सारी बुकें आती हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजडी, और इसका टाइटल क्या है, इन सारी बुकों का टाइटल क्या है? द व्हील ऑफ फायर। और अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो यही पूछेगा द व्हील ऑफ फायर किसने लिखी है, तो जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट ने लिखा है, या फिर इसके अंदर की बुकें भी पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट अ स्टडी ऑफ हैमलेट एंड द टाइम इज़ फ्री अ स्टडी ऑफ मैकबेथ बाय रॉय वॉकर, ये किसने लिखा है? रॉय वॉकर। नेक्स्ट, अ शॉर्ट बायोग्राफी एंड टाइटल सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर बाय निकोलस रॉ, ये एक शॉर्ट बायोग्राफी है जिसका क्या नाम है? सम अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, किसके द्वारा लिखी गई? निकोलस रॉ के द्वारा, जो शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके नेक्स्ट, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 शेक्सपियरियन ट्रेजडी 1948, ये किसके द्वारा लिखी गई है? H.B. चार्ल्टन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज मॉरल आइडियाज बाय डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टॉफर दैट हैज़ मेनी फेमस चैप्टर्स एंड टाइटल, मतलब ये जो बुक है शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज द डेवलपमेंट ऑफ हिज मॉरल आइडियाज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टॉफर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मेनी फेमस चैप्टर हैं। इस बुक में बहुत सारे फेमस चैप्टर हैं, वो फेमस चैप्टर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। द कंट्री माउस है, द स्कूल ऑफ लव है, रोमियो एंड जूलियट है, द गार्डन ऑफ ईडन है, द अनवीडेड गार्डन है, द डार्क टावर है, रोड टू फ्रीडम है, ये इस बुक में ये सारे फेमस चैप्टर हैं। ओके इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टॉफर ने लिखा है। एंड नेक्स्ट है द फूल्स ऑफ शेक्सपियर 1913 बाई वॉर्ड ए फ्रेडरिक, ये किसने लिखा है? द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, ये वॉर्ड ए फ्रेडरिक ने लिखा है। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एस्से शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स इज रिटन बाई वॉल्टर पिटर, ये जो क्रिटिकल एस्से है शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, ये किसने लिखा है? वॉल्टर पिटर ने लिखा है। नेक्स्ट, हैमलेट एंड द डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब 1978, ये किसने लिखा है? एंड्रयू जॉन गर ने लिखा है। ओके हैमलेट एंड द डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब। नेक्स्ट देख लेते हैं, लुकिंग फॉर शेक्स इन शेक्सपियर 2004 बाय स्टैनले वेल्स, ये किसने लिखा है? स्टैनले वेल्स ने लिखा है। नेक्स्ट, द बाइबल इन शेक्सपियर 2013 हैमलिन एंड हैनिबल, किसने लिखा है? बाइबल इन शेक्सपियर 2013 हैमलिन एंड हैनिबल ने लिखा है। एंड लास्ट है अगला, शेक्सपियर सेक्स एंड लव 2010 बाई सर स्टैनले विलियम वेल्स, ये किसने लिखा है? तो सर स्टैनले विलियम वेल्स ने लिखा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी रिविज़न। ओके तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, मतलब कुछ किताब जो कुछ फेमस बुक्स थी जो शेक्सपियर पे लिखी गई थी, कौन कौन से राइटर ने लिखा, तो इसको आप लोग एक दो मरतबा पढ़ेंगे। अगर आप 3-4 मरतबा इसको ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सामने क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद हो जाएगा किसने कौन सी बुक लिखी है। ओके और फिर इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके
तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसे लगे ये रिवीजन, और रिवीजन करते रहिएगा आगे जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो करते जाइए। पीछे से अगर आपको रिवीजन करना है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो आप लोग रिवीजन भी साथों साथ करते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप इजली उसको रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं, PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।